इफको किसान के यूट्यूब चैनल इफको के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे लौकी की खेती के बारे में। लौकी की खेती से कैसे लें अधिक पैदावार। किसान भाइयों, यदि आप लौकी की खेती कर रहे हैं या लौकी की खेती करने का मानस बना रहे हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको लौकी की खेती के बारे में कुछ ऐसी जानकारी बताएंगे जिनको आप अपना कर लौकी की खेती से अधिक पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, लौकी की खेती में सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि लौकी के जो बीज हैं वो बहुत ही सख्त होते हैं, जिसके कारण यदि आप सीधी बुआई करते हैं बीजों की तो कुछ बीज तो अंकुरित हो जाते हैं लेकिन कुछ बीज अंकुरित नहीं हो पाते, जिसकी वजह से जो प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या है वो कम रह जाती है, जिसके कारण लौकी की पैदावार में कमी आती है। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, लौकी की बुआई से पहले आप बीजों को 24 घंटे तक पानी के अंदर भिगो के रखें और उसके बाद 24 घंटे तक आप बीजों को गीले टाट या बोरे के अंदर बांध के रखें, उसके बाद ही आप लौकी के बीजों की बुआई करें। इससे जो लौकी के बीजों के ऊपर जो सख्त परत है वो नरम हो जाएगी और जो अंकुरण है बीजों का वो जल्दी होगा और लगभग जो बीज है वो सारे अंकुरित हो जाएंगे। और दूसरा, यदि बात करें जो लौकी की बुआई है हमें किस प्रकार करनी चाहिए, लौकी की बुआई किसान भाइयों यदि आप नालियां बनाकर करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। नालियों में बुआई करने से एक फायदा तो यह है कि जो नालियां बनाकर आप बुआई करेंगे तो जो बीच में सूखी जगह जो है वहां पर आप बेल को रख सकते हैं, जिसकी वजह से जो बेल है वो सीधे पानी के संपर्क में नहीं आएगी और जो रोग है रोग लगने की जो संभावना है वो कम हो जाएगी। और दूसरा फायदा ये है कि जो नालियों में बुआई करने से आपको जो सिंचाई के लिए जो पानी है वो भी कम लगेगा, तो आप कम पानी के अंदर लौकी की खेती कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं किसान भाइयों कि आप लौकी की खेती करना चाह रहे हैं तो कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं जिनकी आप बुआई करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं। लौकी की उन्नत किस्मों की यदि बात करें तो पूसा प्रोलिफिक लॉन्ग, पूसा प्रोलिफिक राउंड, पूसा नवीन, पूसा मंजरी, पूसा मेघदूत, अर्का बहार और आजाद नूतन जैसी उन्नत किस्मों का चुनाव करके आप बुआई कर सकते हैं। और एक हेक्टेयर की बुआई के लिए आप 4 से 5 किलोग्राम बीज जो है काम में ले सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि जो नालियां आप बना रहे हो वो आपको कितनी दूरी पे बनानी है, तो आप दो नालियों के बीच में 2.5 से 3 मीटर की दूरी रखें और जो बीज आप लगाओगे बीजों के बीच में 0.75 यानी 0.75 मीटर की दूरी रखें और जो बीज है वो 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोएं और एक स्थान पर 2-3 बीज बोएं, ताकि जो बीज अंकुरित बढ़िया हो उसे आप रखें और बाद में जो ज्यादा है उन्हें आप उखाड़ सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि जो नालियां आप बनाओगे उनकी चौड़ाई कितनी रखनी है और उनकी गहराई कितनी रखनी है, तो जो नाली की जो चौड़ाई है वो आप 30 सेंटीमीटर रखें और नाली की जो गहराई है वो आप 20 से 25 सेंटीमीटर रखें। तो इस प्रकार आप नालियां बनाकर लौकी की खेती करते हैं तो आपको ज्यादा फायदा होगा। अब बात करते हैं किसान भाइयों की बुआई के समय हमें कौन कौन सी खाद कितनी मात्रा में देनी चाहिए, क्योंकि यदि आप पर्याप्त मात्रा में खाद व उर्वरक बुआई के समय नहीं देते हैं तो इसका सीधा सीधा असर जो है लौकी की पैदावार पर पड़ता है। इसलिए आप बुआई के समय खाद व उर्वरकों का प्रयोग अवश्य करें। खाद व उर्वरकों की बात करें तो जो गोबर की सड़ी हुई खाद है वो आप जितनी मात्रा में आप डाल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा डालने की कोशिश करें। इसके अलावा 61 किलोग्राम यूरिया, 29 किलोग्राम DAP और 22 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति हेक्टेयर बुआई से पहले आप खेत में उर कर दें। तो किसान भाइयों, इस प्रकार यदि आप पर्याप्त मात्रा में खाद व उर्वरक देते हैं, सही तरीके से बीजों को उपचारित करके इस तरह बुआई करते हैं और नाली विधि से बुआई करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लौकी की जो पैदावार है वो अच्छी मिलेगी। तो किसान भाइयों, आपको ये जानकारी कैसी लगी इसके बारे में हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल इफको के को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग का बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही घंटी के निशान को जरूर दबाएं। धन्यवाद।